दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अपनी रिटर्न पॉलिसी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप भी फ्लिपकार्ट को ओपन करके वहां पर देख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर ओपन करते हैं तो वहां पर रिटर्न की पॉलिसी या रिप्लेसमेंट की पॉलिसी अब नहीं लिखी आती, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स पर जैसे कि फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रिकल सामान हो गया या फिर मोबाइल से रिलेटेड सामान है, कंप्यूटर से एक्सेसरीज से रिलेटेड सामान है, उन सब पर अब रिटर्न और रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि किसी भी फोन पर अब क्या लिखा आता है। सो हम देखते हैं आईफोन 13 को, 128GB वाले वेरियंट को। आप कोई भी फोन ओपन कर लीजिए, सब में सेम यही मैटर है। सबसे पहले तो यहां पर फ्री डिलीवरी दिखाएगा, लेकिन 29 का सिक्योर पैकेजिंग चार्ज ले रहा है फ्लिपकार्ट। ये सबसे बड़ी चालाकी इसकी अब शुरू हो गई है। और दूसरी बात कि जहां पर रिटर्न और रिप्लेसमेंट का ऑप्शन लिखा आता था 7 डेज, 15 डेज, 14 डेज या 30 डेज, जितना भी होता था इन लोगों की तरफ से, वो यहां क्लियरली मेंशन होता था। अब इस टाइम क्या लिखा है, 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। अब यहां प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी तगड़ी आ गई है कि मैंने अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है तो अब मैं डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से नहीं कह सकता इस एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि भाई शो कर रहा है और मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, 29 सिक्योर पैकेजिंग का दूं ना दूं वो बात की बात है, लेकिन अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट रिटर्न कर लीजिए और या फिर रिप्लेस कर लीजिए। यही आप लोग जो कमेंट करते हैं, यही आप सबकी प्रॉब्लम 90% यही है। अब इसमें चेक करेंगे 7 डेज सर्विस रिप्लेसमेंट वाले में क्या लिखा आएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट में, वहाँ लिखा आएगा कि सेलर ऑफर्स रिप्लेसमेंट ओनली फॉर मिसिंग आइटम्स, प्रोडक्ट डैमेज ऑन डिलीवरी ऑन और रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर। अब यहां पर फिर से फ्लिपकार्ट ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहां पर सारी जिम्मेदारी सेलर के ऊपर डाल दी है कि भाई अगर प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट तभी होगा जब मिसिंग आइटम, डैमेज आइटम या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी होता है, यानी कि तब सेलर ऑफर करता है। और लेकिन यहां सबसे बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम यह आने वाली है कि आप जैसे ही फोन करेंगे कि भैया हमारा प्रोडक्ट मिसिंग है या जो भी है, तो पहले तो डिलीवरी बॉय बहुत ही चालाकी के साथ पहले पैसा लेता है, उसके बाद डिलीवरी देता है। बॉक्स कैसा भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आप ही जेहलेंगे जैसा भी जो भी होगा। और जब फ्लिपकार्ट को फोन करेंगे वो तो क्लियरली कह देंगे कि 7 डेज का सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट हम करते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते, डोंट वरी, ये वो निकाल देंगे बात को। और नीचे आप चेक करेंगे तो सर्विस सेंटर की लिंक दी गई है हर एक ब्रांड्स की, जिन पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हमारे एरिया में वो सर्विस सेंटर नज़दीकी कहाँ पर है। हर एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या मोबाइल कंपनीज का नाम है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फ्लिपकार्ट के रिटर्न और रिप्लेसमेंट की पॉलिसी में, वहां पर पढ़ेंगे कि क्या मैटर लिखा हुआ है। तो इसी लिंक वाले पेज पर सबसे नीचे आप आएंगे तो नो मोर अबाउट द रिटर्न पॉलिसी, यहां पर क्लिक हियर पर जब क्लिक करेंगे आप तो रिटर्न पॉलिसी पर आपका ओपन हो जाएगा पेज। यहां पर ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं कि ऑल प्रोडक्ट रेफर शुरू एक्सेप्ट, ये वो मतलब वही आइडियल सिचुएशन वाली चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर कैटेगरीज में आप जब देखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट जैसे कि होम से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड और होम फर्नीचर वगैरह, ये सारे बुक्स वगैरह, ये सब पर रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी है अभी तक। लेकिन जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे जो मोबाइल वाला सेक्शन है वहां पर आपको सभी लिंक मिले हुए हैं और यहां पर 7 डेज की रिप्लेसमेंट लिखी हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि ऑल फंक्शनैलिटी रिलेटेड इशू ब्रांड ऑथराइज सर्विस सेंटर डायरेक्टेड ऑथराइज सर्विस पार्टनर लोकेटेड वगैरह यहां पर लिंक दी गई है। यानी कि यही सब आप लोगों को प्रॉब्लम, जितने भी लोग मेरी पिछली वीडियो में जो एक फ्लिपकार्ट स्कैम नाम से एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसमें सब सारा रिलेटेड यहाँ पर आपका मैटर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपना हाथ खड़ा कर लिया है। सबसे पहले अपना सारा मैटर पलट दिया है उसने सेलर के ऊपर, सेलर के ऊपर पलटने के बाद यहाँ पर सभी सर्विस सेंटर के लिंक्स दे दिए हैं। तो इसके बाद क्या किया मैंने, वैसे मैं 3-4 दिन से इस वीडियो पर रिसर्च कर रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हैं, सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं 2-3 दिन से इस पर रिसर्च कर ही रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ वीडियोज देखी, कुछ वेबसाइट्स पर गया जो अलग अलग बड़े बड़े टेक एंथुजियास्ट लोग हैं उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं इस पर। तो उसमें क्या मिला है कि जब आप सर्विस सेंटर वालों से बात करते हैं कि भैया फ्लिपकार्ट से मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया है और इसको 7 डेज की सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं अपने एरिया में, अगर आप नज़दीक हों तो जाकर के पूछ लीजिएगा एक बार। तो मैंने पूछा यहाँ पर क्रोमा में जाकर के, तो क्या हुआ कि एप्पल वालों ने कहा कि भैया हमारे पास सिर्फ वारंटी से रिलेटेड जितने भी इशू आएंगे हम उसी को रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये फ्लिपकार्ट ने क्या किया है या अमेजोन ने क्या किया है या किसी भी वेबसाइट पर क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उससे हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ये जिम्मेदारी आपकी है या फिर फ्लिपकार्ट की है, आप ही देखिए। और इधर आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप जैसे ही फ्लिपकार्ट को कॉल करेंगे तो वो कहेगा कि भाई सेलर की प्रॉब्लम है, सेलर से निपटो, आप सेलर का कोई कॉन्टैक्ट वगैरह होता नहीं है, आप सेलर तक पहुंच भी जाएंगे तो सेलर कहेगा फ्लिपकार्ट से निपटो, सेलर कह देगा कि भाई लिंक दिए हुए हैं अपने सर्विस सेंटर पर जाओ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा इशू है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।